तस्वीरां एक गुरु घर दियां ने ते कारा अजिहा जिसकी शायद शब्दों में निखेधी की जानी मुश्किल है। सबनू सिखी का पाठ पढ़ाने वाले और गुरग्ञानी कहाने वाले जदों खुद ही सिख रहत मर्यादा दियां धज्जियां उड़ाउण लग जाण तां फिर साडे समाज नू सेहत कित्थों मिलेगी। वड्डा सवाल है पर तस्वीरां तब्बा ने साडे समाज ते गुरु घर की हदूत विच अजिहा घिणौना कारा करना। घटना थाना खेमकरण अधीन पैंदे पिंड मेहंदीपुर दी है जिथे गुरद्वारा घर की हदूद अंदर गुरद्वारा साहिब के प्रधान वालों एक नाबालक लड़की नाल छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया जिसकी एक वीडियो हुण सोशल मीडिया से बड़ी तेजी नाल वायरल हो रही है। जो कि मैं गुरद्वारा साहब विखे पाठ सीखन जाती सी। सब तो पहले दिन मैं गुरद्वारा साहब विखे पाठ करती पई सी ते मैं पाठ करके गुटका साहब रख दिता ते बाबा जी मैनू कहिंदे कि गुटका साहब लै के अंदर आ के मैनू पाठ सुना। मैं क्या बाबा जी मैं अंदर नहीं जाना। बाबा जी जबरदस्ती मैनू अंदर लै के गया। पहले दिन बाबा जी ने मेरे तो पाठ सुन लिया जो बाबा जी कहिंदे। अगले दिन फिर आई मैं अगले दिन फिर गई ते बाबा जी ने मेरे तो पाठ सुन के मेरी लत खिंच के मैनू हेठां सुट दिता जो कि उन्हां मेरे शरीर नाल छेड़छाड़ कीती। बाद विच बाबा लवप्रीत सिंह कहिंदे कि मेरी तेरे कोल वीडियो है नहीं तो तू ही मेरे नाल छेड़छाड़ कर। बाबा लवप्रीत सिंह जी ने मैनू भी ये हरकत करने लई कहा। मैं क्या बाबा जी तुसी गुरद्वारा साहिब दे ग्रंथी हो। कहिंदे बेटा कोई गल नहीं। बाबा जी ने भी मेरे नाल छेड़छाड़ कीती ते मैनू अंदर घेर लिया। बाद विच अगले दिन मैं गुरद्वारा साहिब विखे गई। उन्हां मैनू नवें दरबार विच लै के गए। उत्थे मेरे लीड़े कपड़े पाड़े अते मेरी सलवार भी ला दित्ती। मैं ये गल घरदियां नूं नहीं दसी सी कि वह मैनू कुटणगे ते मरणगे। इस करके मैं ये गल किसे नूं नहीं दसी ते उन्हां मेरी वीडियो सारे थां ते भेज दित्ती। जिहड़ा बाबा सीगा जिहदे नाल वीडियो उहदा नां की है? बाबा बलवीर सिंह ते बाबा लवप्रीत सिंह। मामले बारे जानकारी दिंदे होए मैंबर पंचायत प्रगट सिंह ने दस्या कि 13 साल दी नाबालक लड़की हर रोज दी तरह गुरु घर विखे पाठ सिखण जांदी सी। ता एक दिन उसनू इकल्या वेख के गुरु घर दे प्रधान बलवीर सिंह ने मौके दा फायदा उठाउंदे होए लड़की नाल अश्लील हरकतां कीतियां जिसकी वीडियो गुरु घर साहिब विच लगे सीसीटीवी कैमरे विच कैद हो गई। उन्हां दस्या कि इस व्यक्ति की इस तो पहला भी कई बार शिकायत मिल चुकी सी पर बाद विच वीडियो दा रौला पै गया अते जिस तों बाद पिंड दी पंचायत ने बाबे बलवीर सिंह नू गुरु घर दी कमेटी तों हटा दिता। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਮਹੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਪੱਤੀ ਮਲੇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿ ਸਹਿ ਘੜਦੇ ਘੜਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ? ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ SH ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? कुछ दिन पहला पिंड की पंचायत वालों भी एक फैसला लिया गया जिसे लवप्रीत सिंह गुरुद्वारे की कमेटी चो बाहर कढ़िया गया जी। वो की मामला सी जी? मामला सारे इस तरह है भी
गुरद्वारा साहब के काफ़ी देर तो यह गलत हरकत जी चल रही है। तो ये जो बाबा बलवीर सिंह है और अपना लवप्रीत सिंह ग्रंथी है, वो दोवें करतार तो दि गिरे हुए बंदे से, इन्हों एक दूजे दिन कमजोरिया का दोनों का पता से, और दोवें जोड़े ही गुरद्वारा साहब की हदूद के अंदर जोड़े ही औरतों के नाल गलत हरकत करते हैं, जिंदियाँ कुछ रिपोर्टा जी कमेटी तक जाए भी रही। और कुछ दिन पहला जो इन्हें पेल्ला बाबे बलवीर सिंह की जी वीडियो जी ही धोखे इन्हें अपने ने कैच करवाई आ लवप्रीत सिंह ने अपने भरा के थ्रू थ्रू, क्योंकि जोड़ा रिकॉर्डिंग सिस्टम से वह सुखमीर सिंह के घर लगाया है, और उत्थे राजा और सुखमीर सिंह का लवप्रीत सिंह का जोड़ा घर कट्ठा है, उत्थे जोड़ा इन्हों वीडियो इन्हें खुफिया कैमरा ला के बाबे की बलवीर सिंह की जी वीडियो आ वो रिकॉर्डिंग कर दी, और रिकॉर्डिंग करन तो बाद इन्हां बाबे बलवीर सिंह नूं ब्लैकमेल किया, और उस तो 2 लाख रुपया ना जिहड़ा है वो वीडियो डिलीट करन दा विखा के उन्होंने लिया जिहड़ी वो सवेरे इत्थे साबित करके गए। और इहो ही वीडियो इन्हां जदों गुरद्वारा साहिब ते लड़की गई आ लवप्रीत सिंह ने उन्हूं विखाई आ और उन्हूं डराया ते धमकाया भी मैं तेरी वीडियो जिहड़ी आ वायरल कर देंगा, नहीं तो तू ही मेरे नाल जिहड़ा वो संबंध बना, और ये गल करके जिहड़ी आ वो लड़की उन्हें डरा लिया, क्योंकि 13-14 साल की लड़की सी अपने सुखमीर अपने लवप्रीत सिंह ने वो लड़की नाल भी जिहड़ियां अश्लील माड़े जिहड़ियां संबंध जिहड़ियां हरकतां कीतियां। जिहड़ा बलवीर सिंह गुरुद्वारे का ग्रंथी सी कि प्रधान सी, ये गुरुद्वारा साहब दे विच सेवा करांदा सी, गुरुद्वारे साहब का प्रधान सी, इहनूं सारी सेवा का संभालिया इहने प्रधान सी बनाया गुरुद्वारा। इसे गल नूं लै के बलबीर सिंह अपने मन विच रंजिश रखदे होए इस लड़की दे परिवार नूं बदनाम करन दी नीयत नाल इस लड़की दी वीडियो आप ही सोशल मीडिया ते वायरल कर दित्ती। पीड़ित परिवार ने जिला तरन तारण के SSP तो इंसाफ की मांग की। राम सिंह जी, वो जी सुप्रीत कौर मेरी भतीजी आ, उसकी वीडियो जो मैं वेखी तो बहुत बलवीर सिंह तो लवप्रीत सिंह ने बहुत घिनौनी हरकत की आ गुरुद्वारे हदूद के, मैं प्रशासन तो यही मांग करता भी इन्होंने सख्त तो सख्त कार्रवाई इन्हें की जाए। रिपोर्टा आ रही है जी ये भी गुरुद्वारे हदूद के अंदर माड़ा काम करते हैं, पर हूँ तो जग जाहिर हो गया, वीडियो भी वायरल हो गई आ, तो मैं प्रशासन तो SSP साहब तो मांग करता भी इन्होंने सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जदों इस मामले संबंधी सब डिवीजन भिखीवेंड के DSP राजबीर सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई करन दी गल कही। संबंध में साढ़े को एक वीडियो पब्लिक ने वायरल की, वो सरप्रीत कौर जिहड़ी लड़की आ छोटी उम्र की 13 साल की, वो उत्थे मतलब अपना पाठ सीखण वास्ते गुरद्वारा मेहंदीपुर जाते ही, तो उत्थे बलविंदर सिंह प्रधान जिहड़ा वा तो वो उम्र वो 80 साल सीगी, एक वीडियो जिहड़ी आ वायरल हुई कि वो लड़की दे नाल जिहड़ा अश्लील हरकत कर रहा सीगा, तो जिहदे संबंध में जो साढ़े को वो तुरंत जिहड़ा SHO तरसेम सी SHO खेमकरन जिहड़े आ मौके पर गए आ, तो लड़की की जिहड़ी आ स्टेटमेंट जिहड़ी आ लेडी स्टाफ वल्लों जिहड़ी आ लई जा रही आ, तो जदों भी उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट होंगी उत्ते भी बनती धारावां तहत उस वेले बलविंदर सिंह के खिलाफ़ परचा दर्ज किया जा रहा है।